खबर गाजीपुर जनपद से, जहां जखनिया में विधानसभा चुनाव पास आते ही सरकार विकास कार्यों को लेकर तेजी से सक्रिय हो गई है। डिप्टी सीएम योगी केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया में एक कार्यक्रम के दौरान जखनिया क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम का जखनिया में 11 बजे कार्यक्रम था, लेकिन सुबह उनके कार्यक्रम में आंशिक रूप से परिवर्तित कर दिया गया। सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से न आकर उन्होंने राजकीय विमान से सीधे गाजीपुर अंधौू हवाई पट्टी पर आए। वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात डिप्टी सीएम कार से सिद्धपीठ हत्यारा मठ के लिए रवाना हुए। सिद्धपीठ में बुढ़िया माई का दर्शन एवं महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर 2 बजे जखनिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं इंतजार कर रहे थे। सभा स्थल पर डिप्टी सीएम की अगुवानी एवं सभा के संचालक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर संघ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूलमाला एवं गुलदस्ते देकर की उन्होंने जखनिया क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। शिलान्यास के दौरान डिप्टी सीएम ने बीजेपी सरकार के कामकाज की तारीफ की। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 साल में यूपी में कोई भी दंगा नहीं हुआ। पहले सिर्फ 4 जिलों में ही बिजली मिलती। आगामी चुनाव के लिए जनता से अपील करते हुए कहा, 60% वोट लेकर बहुमत की सरकार बनाएंगे। 40% उनके हिस्से में है, लेकिन 40 में भी हमारा है। इसलिए आप यह जानिए कि हम 300 सीटों से अधिक संख्या में लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। इसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। गुंडागर्दी और अपराध करने वालों की विदाई हो चुकी है, भ्रष्टाचार करने वालों की विदाई हो चुकी है, गरीबों को धोखा देने वालों की विदाई हो चुकी है। और मैं यह मानता हूं कि 2022 सपा बसपा कांग्रेस और इनके तथाकथित जो छुटभैये दल हैं उनके विदाई का वर्ष जनता साबित कर देगी। सर, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि आपका पार्टी में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो, अपने तरफ बुलाने का निमंत्रण। सम्मान चिंता करें, मेरे सम्मान की। सर, एक सवाल सर, सड़क को लेकर एक सवाल। जो कर्नल शहीद मिल रहे हैं उनके घर के सामने सड़क पानी जमा है और सड़क खराब है, उनकी माता जी रोके इसको बयां कर रहे हैं। आपको मैं ये विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई भी सड़क होगी, इसी विधानसभा की जहाँ की आप बता रहे हैं कर्नल साहब, सदर विधानसभा जो भी सड़कें होंगी, जो हमारे ऐसे माननीय जो देश की सेवा करने वाले हैं उनके घर की है या कोई किसान के घर की, किसी गरीब और मजदूर के घर तक जाने वाली